तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली खाओ पियो जियो कोलैबोरेटिंग विद नेट ब्लॉग्स। फाइनली 2020 में हमने अशरफ सर के साथ ब्लॉग बनाया था चीता कैंप का। हाँ। तो अब ये अल्टीमेट ब्लॉग बनने वाला है रमजान स्पेशल चीता कैंप में। तो रमजान स्पेशल में आपको बहुत सारी स्पेशल चीजें मिलेगी एंड बट ऑब्वियस इसमें जो है सस्ता तो होता ही है और इसमें हार्ड नहीं हो जाएगा कि इतनी अच्छी अच्छी नियामतें हम देखेंगे और खा नहीं पाएंगे। अरे तो खाएंगे ना इफ्तारी में, तो उसको पूरा जो है डिजायर हमारे कंट्रोल करना है, सबको हासिल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर इफ्तारी के बाद हो जाएगी, टूट पड़ेंगे, टूट जाएंगे पूरा। चलो फिर जाते हैं स्ट्रीट्स ऑफ चीता कैंप में। नवेद अपन मेन रोड पे आ चुके हैं। बिल्कुल सर, काफी मशक्कत लगी मेन रोड तक पहुंचने में, शॉर्टकट से आना पड़ा और यहाँ पर तो चलने की जगह नहीं है। फिर भी असर के बाद तो और गर्दी और गर्दी बढ़ेगी। अपन फटाफट जो अपने को चाहिए खास खास चीजें वो ले लेते हैं। अभी आ चुके हैं रमजान होटल में, जैसे कि मैंने बताया, और रमजान स्पेशल में आप देख सकते हैं ये खाजा है, इसके अंदर सीरा डाल के इसको घुमा कर खाने में महसूस करेंगे। सर इसको खा लिया तो बाकी की अफ्तारी बाजू में रखनी पड़ेगी। बाकी की अफ्तारी के लिए भी जगह रखनी है सर। अरे ये तो अभी स्टार्ट हुआ भाई, 10% भी नहीं हुआ। मालपुआ भी बन रहा है, ये मिनी मालपुआ है। कितने वाला है भाई ये? जो 15 रुपए में मालपुआ मिल रहा है यार, मोहम्मद अली 15 रुपए में अंडा नहीं आएगा कुछ दिनों में। जो भेंडी बाजार मोहम्मद अली रोड जाते हैं, ये मिनी भेंडी बाजार आप बोल सकते हैं। मिनी नहीं सर, फुल फुल बोल सकते। ये मेन जो है हब है नवेद यहाँ पर का, यहाँ पर बर्गर मिलता है 30 रुपए का, मोमोज पिज्जा है। नॉन प्राइसिंग देख के तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है ना। चिकन सीजनर बर्गर आपको 30 रुपए में मिलेगा, स्मॉल चिकन पिज्जा 30 रुपए में, 30 रुपए सिर्फ GST लगता है आजकल। अभी पहुंच चुके हैं हम हेलो फालूदा आइसक्रीम सेंटर। तो फालूदा तो बहुत सारे चीता कैंप में तो अभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक जमाने से हम यहाँ से ही ले रहे हैं। तो भैया जी एक स्पेशल फालूदा बना देना। कितने साल से है भाई ये दुकान? 20 साल से। यहाँ पर का फालूदा जो है सबसे बेहतरीन टेस्ट में होता है, हालांकि बाकी भी है लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस ये वाला फालूदा है। बोलो 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 बोलो, यही बनता है यही बिकता है। मेरे पास में जो है पूरा प्लाटर है, 2 मटन सीख 2 चिकन सीख होता है, 2 मटन बोटी है, 2 चिकन बोटी है, 2 खीरी है, और फिर उसके बाद में मेरे पास में एक लेग होता है। मेरे होममेड सॉसेस है, फिर मेरा मसाला जो आता है वो दिल्ली से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तंदूर शोरमा से लेकर के मेरे पास में खीरी शोरमा है, चिकन सीख शोरमा है, मटन सीख शोरमा है, बोटी शोरमा की शोरमा में देखा था कि बहुत लोग खाते तो ट्रेंडिंग पे शोरमा ट्रेंडिंग में है। मेरे पास में फर्स्ट बाइट से लेकर के लास्ट बाइट तक आपको जो है चिकन मटन मिलना 100% गारंटी है। क्या बात है। सर फाइनली हमारे स्पेशल आइटम की तरफ आ चुके हैं। सऊदी का टेस्ट चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इंशाल्लाह सऊदी का टेस्ट मिल जाएगा चिकन हरीस में। ओ भाई, तो काफी डिलीशियस होता है। हाँ। इफ्तारी में आपको पता ही चल जाएगा। बिल्कुल। और ये फिरोज भाई है, पहले ये भजिया भी बेचते थे, लेकिन जब से इन्होंने चिकन हरीस शुरू किया है आप गर्दी देख सकते, बोलने की जरूरत नहीं है, लाइन लगा के लोग ले रहे। ये भी हमारे स्टूडेंट है, चीता कैंप के फास्टेस्ट बॉलर बन गए अभी माशाल्लाह। बस हरीस के लिए फेमस हरीस अपने आका माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, पहली बार ट्राई किया था। अच्छा, बस आया। बिलाल भाई के जो भी फैन है वो भी चिकन हरीस लेने आ जाए, बिलाल भाई की तरह बॉलिंग कर सकते हो। नवेद भाई माशाल्लाह सर, लास्ट कुछ याद आया क्या नहीं तुमको? लास्ट टाइम से मेरे को डेग और बड़ा दिख रहा है माशाल्लाह। आपको भी सबको रमजान मुबारक हमारी तरफ से, और रमजान को और मुबारक बनाने के लिए हमारा खिचड़ा खाइए, है ना, खिचड़ा स्पेशलिस्ट जी। बिल्कुल, तो आप लोग देख सकते हैं काफी भीड़ है स्टॉल पे हर बार की तरह, और भाई के हाथ जो की एकदम ऑटोमेशन में चल रहे हैं स्टॉल में, माशाल्लाह रौनक भी अलग ही दिख रही है, एकदम लाइट्स वगैरह लगा के। डेग हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए भी बहुत सारा बचा हुआ है, जल्दी आइए। अच्छा प्राइसिंग है, 20 रुपए के 2 दही वड़े। अब मच्छा इधर ही खड़ा है और मच्छा का दही वड़ा है, सबसे अच्छा दही वड़ा यहीं पे मिलेगा। बिल्कुल, अलादीन भाई एतर वाले की शॉप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खाना पीना तो बहुत ले रहे हैं हम, टाइम बाय टाइम मैं आपको बता दूं, काफी फेमस इतर की दुकान है, तकरीबन 15-20 साल से, राइट 18 साल से, 18 साल से चल रही है हमारे जो है जवानी के दिनों से, अभी भी थोड़े जवानी है, अभी भी जवानी है। तो जरूर जब चीता कैंप आए तो इनसे इतर मिलेगा, टोपी मिलेगी, अल रसासी, स्विस अरबियन, अल नईम, आदिल कादरी का आप शनाया देखते होंगे, वो
चीप रेट में अच्छे रेट में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। रमजान का स्पेशल ऑफर है कि आपको 15% डिस्काउंट भी चालू है। भरपूर शॉपिंग कीजिए, दिल खोल के शॉपिंग कीजिए और अपने घर को, अपने आप को महफिल खुशबू से चमकाइए और बहकाइए। फाइनली मालपुआ जलेबी जो की हमने ढूंढ निकाली इंस्टाग्राम में। कौन सा फालूदा चाचा? ये केजीएल फालूदा। नवेद हमारा नेक्स्ट स्पॉट है सलीम भाई गुलाब जामुन। सर स्पॉट तो नहीं दिख रहा, पब्लिक ही दिख रही है फिलहाल, लेकिन अभी ये गुलाब जामुन ने रगड़ी के लिए करती है। तो कैमरा घुसा के थोड़ा दिखा दो, मंदिर दिखा दो। सीएसबी के और बीकॉम वाले भी है यहाँ। अच्छा, पर अच्छा। पैनकेक काफी अच्छा बनता है माशाल्लाह। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा शॉर्ट देख लेना। हाँ। इनका ऑलरेडी बना हुआ है शॉर्ट। क्या है आपा? ये चिकन समोसा। अच्छा चिकन समोसा। हाँ। समोसा कितना? 20 का 3। 20 का 3 इतना सस्ता बेच रहे आप? रोज के टाइम में 50 50 50 50 50। भाई तो लाल चाहिए और माल चाहिए तो अब रियाज भाई के पास आ जाना। रियाज भाई लाल है नहीं माल है। सर 50 है 50 है 50 है। पकड़ पकड़। किसको पकड़ना है भाई? क्या बात है, लाल कलर का पैसा है, लाल है। और ये दुकान देखो भाई, देखा 6:30 बजे हैं और दुकान का पूरा ये हो गया है। हम लोग ऑफिस से लेट हो गए। हर बार हम रात को लाश रखते। कैसे हो इस भाई? तो इंशाल्लाह हम लोग तुम लोगों को शॉर्ट्स को निकाल उसका बता देंगे पहले का कि क्या क्या मिलता है। तो जरूर 4 से 7 बजे रमजान का डिशेस मिलता है और उसके बाद 11-12 बजे तक 1 बजे तक शॉप ओपन है ग्रिल के लिए। आप तो खाए थे ना 4 साल पहले जो खाए थे, वो भी आज भी वही टेस्ट है। क्या बोलते हो इस भाई, कैसा मैनेज कैसा करते हैं आप रमजान में? तीन लोग फॉर्म में रहते हैं, एक तो राहत भाई का चाइनीज सॉरी ग्रिल स्टैंड तवा, और रमजान में फॉर्म में टेलर भी होते हैं, और दूसरे जो बाल काटने वाले जो हेयर स्टाइलिश फॉर्म में रहते हैं। तो इनके यहाँ जितना जल्दी हो सके उतना आपको ग्रैब कर लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले राहत आओ। हाँ पहला काम करो राहत आना, तब जाके आप राहत से सांस लेके आगे जा सकते। हमारे जो कि अशोक के घर की स्पेशलिटी में से एक है, और माशाल्लाह जैसे हमारी अम्मी जान भी बनाती है तो वो ऑथेंटिसिटी घर वाली बिल्कुल है। और समोसे की खासियत ये है कि आपको जो कि ये मार्केट वाले समोसे से डिफरेंस ये देखने मिलेगा कि चिकन जो कि ये भरपूर मिलेगा। अच्छा सर ये क्या है नेक्स्ट? ये आज स्पेशल बना है बहुत दिनों बाद, दिस इज कचोरी। ये देख सकते हो इसके अंदर मटन की फिलिंग्स होती है और बटाना होता है, टेस्ट में बहुत जबरदस्त। इरशाद भाई हमारे ट्राई करेंगे गंजी जो साउथ इंडियन लोग की स्पेशलिटी होती है। बीमार हो गए, डिहाइड्रेट हो गए तो गंजी से आपका काम चल सकता है। एनर्जाइजिंग होता है, आप ड्रिंक से समझ लो। जैसे मेरे गांव साइड में, जैसे मैं भी कर्नाटक का ही हूँ, तो मेरे भी घर पे बनता है गंजी, एकदम वैसा ही टेस्ट आ रहा है मुझे, एकदम घर जैसा लगा। कोई येलोइश बनाते कोई व्हाइटिश बनाते। मैं शुक्र गुजार हूँ नेट ब्लॉग हेल्थ टीम का जो यहाँ पर आए और उन्होंने एक ब्लॉग बनाया अच्छा सा। मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, और नेट क्रिएटिव्स करके बिजनेस है तो आपको आपके घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, है ना, आजकल हकीका का भी बना देते हैं, या जो भी छोटे मोटे फंक्शन हो, तो आप नेट क्रिएटिव्स को जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, काफी अच्छा हार्डवर्क करते हैं लोग, उनकी जो वीडियोग्राफी होती है, जो सिनेमाटोग्राफी होती है वो लाजवाब होती है। तो इसलिए मैंने 4 साल बाद भी इन्हें ही बुलाया चीता गेम का, क्योंकि किसी दूसरे के बस की बात नहीं है, और इतनी भीड़ में शूट करना। नेट ब्लॉग्स ने काफी मेहनत की इस पे, तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखिए। और नेट क्रिएटिव्स को छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, मतलब कोई भी आपको कंटेंट बनाना हो, तो इनको कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ सर का, कि इतने सालों बाद सर ने हमें दावत दी माशाल्लाह, और इतने प्यार से हमें बुलाया चीता कैंप पे, वापस हम मेहमान बने और कंटेंट तो बनाए ही, साथ ही साथ हमारी यादें ताजा हो गई, नॉस्टैल्जिया रिलीज हो गया। स्टार्ट किए थे तो माशाल्लाह सर के साथ में शुरुआत किए थे, तो वो जर्नी क्या थी, और माशाल्लाह इतने 4 साल हो गए सर, 3-4 साल हो गए, तो उसके बाद माशाल्लाह अभी क्या स्टेज पे। तो अभी नेट ब्लॉग्स जो की है, नेट क्रिएटिव बन चुका है, जो हम खुद के लिए करते थे अब वो हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं।
जो हमारे लिए क्वालिटी हम रखते थे, तो उससे और बेहतरीन क्वालिटी हमने अपग्रेड कर लिया, हमारे गैजेट्स भी, फोन भी, कैमराज भी, लैपटॉप्स भी, तो जो कि हम क्वालिटी आपको डिलीवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और डिटेल के लिए आप जो कि नेट क्रिएटिव इंस्टा पे देख सकते हैं। अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं, आपको सोशल मीडिया का आपका मैनेज कराना है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। और डिटेल में बात करनी है तो आपको हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगे, तो आप जरूर टच में आइए। फिलहाल हम अफतारी जो की कंटिन्यू करते हैं। बोल बच्चन हमारे बहुत हो गए, अभी मुंह को सिर्फ खाने के लिए यूज करते हैं।